दोस्तों, मैं हूं संतोष निगम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज की वीडियो को। कल जो मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स दिए थे उनके साथ में, तो गाइस कल मैंने आपको 35,100 के ऊपर बाय करने को लगाया था और ये था आपका पहला टारगेट। देखिए, इसने एग्जैक्टली वही टारगेट लगाया। साथ में गाइस, बहुत सारे लोग जो है कल के दिन के लिए बीरिश थे बैंक निफ्टी को लेकर के, लेकिन आप लोगों ने ठीक से अगर मुझे फॉलो करते हैं तो कल मैंने रात को कुछ 10:15 बजे एक मैसेज पेस्ट किया था कि गाइज जो भी पी में ट्रेड करेगा, यानी कि जिसे भी एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी फॉल करेगी, तो आपके एक्सपेक्टेशंस गलत है। कल के दिन में जो बड़ा मोमेंट आएगा वो सीई में आने वाला है। उस हिसाब से गाइज मैंने आपको कुछ कॉल्स भी दिए थे सीई के हिसाब से। काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार मोमेंटम था इसका, क्योंकि गाइज इसके पीछे था एक साइकोलॉजी। मार्केट पिछले 3-4 दिन से गिर रहा था, आज था वीकली एक्सपायरी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एक्सपेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी जो है वो गेन करने वाला था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस साइकोलॉजी के बेसिस पे मैंने दिया था। कुछ टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें भी इसे सपोर्ट करने के लिए थी जो कल मुझे लेट नाइट में मिली थी, इसीलिए मैंने फिर वो आप लोगों को वहाँ पर पोस्ट करके रखा था। उसके बाद में गए जो निफ्टी के मैंने कल आपको लेवल्स दिए थे, तो जो निफ्टी के लेवल्स थे 15,670 के ऊपर आप लोगों को इसे बाय करना था। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, पहली कैंडल जो ओपन हुई है वो कहाँ पे ओपन हुई है आप लोगों को चेक करना है। देखिए, पहली कैंडल जो है इसी लेवल पे ओपन हो गई थी, 15,770 इसके टारगेट से इसने दो बार डबल टॉप बनाया था इस लेवल पे, लेकिन 15,670 से 15,744 काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था ऊपर की साइड में। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि यही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, उसका एक गुड एग्जांपल है। देखिए, यहां पे कैंडल जो है इसका रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, इन कैंडल्स को देख लीजिए और इन कैंडल्स को देख लीजिए, सेम लाइन को इन्होंने बाद में सपोर्ट में भी कन्वर्ट किया था। तो गाइज, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स थे जो मैंने आपको कल के दिन के लिए दिए हुए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आपको कल कॉल्स दिए थे उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो गाइज, जो मैंने आपको पहला कॉल जो दिया था वो गोदरेज सीपी का था, यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। गाइज, इसका जो बाय साइड एक्टिवेट होने वाला था वो था 857 के ऊपर, 857-858 के ऊपर इसका ओपन होने वाला था। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रख लीजिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटीज बनी रहे। 861, 864, 868 ये तो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, लेकिन इसने आज हाई कितना अच्छा लगाया है। देखिए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 900 इसने हाई लगाया है। एग्जैक्ट अगर हाई की बात करें हम लोग इसके, तो वो 897 का इसने आज के दिन में हाई लगाया है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक था जब इसने स्टार्ट किया था अपना डे, तब से लेके गाइज देखिए यहाँ स्टॉप लॉस के नियर बाय भी नहीं था ये, तो जिस किसी ने भी ट्रेड लिया होगा इसमें तो इन्हें डरने वाली कोई बात नहीं थी। जो सेकेंड कॉल दिया था गाइज वो था कोलपैल का। कोलपैल आपको 1,786 के ऊपर बाई करना था, 1,711 और 1,717 दो लेवल से टारगेट टू इसने इजीली अचीव कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में इंडेक्स जो थे वो साइडवेज थे, उसकी वजह से जाहिर सी बात है स्टॉक जो वो भी साइडवेज चले गए। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हो गाइस कि इसने मेरा अभी तक थर्ड टारगेट नहीं दिया है, इसमें ब्लास्ट नहीं आया है जैसे गोदरेज सीपी में आया। कल इसको रडार पे रख लीजिए सेम लाइंस के साथ में, कल गाइज इसमें वॉल्यूम बना रहेगा डेफिनेटली, ये किसी भी साइड में मूव करे अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा कल के दिन में। उसके बाद में गाइज इन्फोसिस का जो अगला कॉल था 1,422 के ऊपर आपको बाय करना था, 1,227 आपको इसने इजीली फर्स्ट टारगेट दे दिया। सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगी इन्फोसिस के लिए भी, इसने मेरा टारगेट टू टारगेट थ्री नहीं दिया है, इसका मतलब कल इसमें ब्लास्ट होने वाला है कल परसों में। देखिए, एंडिंग में इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ गया है, तो इसको अपने रडार पे रख लीजिए सेम लाइंस के साथ में, सेम लाइंस इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, कल के दिन में भी अच्छा चलेगा। अभी गाइज हम लोग देखेंगे जो कल के दिन के लिए मेरे स्टॉक्स रहेंगे तीन, वो कौन से रहेंगे। उससे पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो डेली बेसिस पे मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ उनके अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। साथ में जो भी एजुकेशनल वीडियोज यहाँ पे पोस्ट करूंगा उनके भी अपडेट्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं या फिर न्यू ट्रेडर हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक पेस्ट किया हुआ है, वहाँ जाकर के वो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं अपने बेहतरीन कॉल्स और ऑप्शन के कुछ कॉल्स वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, उसके बेनिफिट जो है आप लोगों को मिल सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो भी लेवल्स देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, अगर उसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे या फिर और किसी टेक्निकल एनालिसिस पे मुझे कुछ चेंजेस लगते हैं, मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा इस रिलेटेड कुछ भी लाइक दैट, तो वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता रहा हूँ आपके लिए, तो उसके बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ में गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज ये है एपिसोड नंबर 54, 53 एपिसोड्स तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सारे के सारे बेहतरीन कॉल्स थे। पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो सब में अच्छे खासे रैली मिल रहे हैं। लोग जिसके लिए पेड सर्विस लेते हैं वो टाइप की सर्विस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो भी एक दिन एडवांस में दे रहा हूँ, ताकि उस पर आप लोग भी थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस अप्लाई कर सके, आप लोग भी कुछ सीख सकें। तो गाइज, कल के दिन के लिए मेरा पहला कॉल रहेगा लुपिन का। हम लोग लुपिन को बाई कर सकते हैं 1234 के ऊपर, 1238, 1242, 1246 हमारे अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे, 1224 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग साइड के लिए। इन केस इसमें गाइस अगर बाई की एंट्री नहीं आती है तो हम लोग सेल कर सकते हैं 1224 के नीचे। 1235 स्टॉप लॉस रहेगा, 1219, 1215, 1210 हमारे डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे लुपिन के लिए। अगेन गाइस, ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करके रख लीजिए। ट्रेडिंग व्यू मैं प्रेफर करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे आप एक दिन एडवांस में भी अगर इसको कर लेते हो तो ये सारे लेवल्स आपके लिए वहां पे सेव रहेंगे, आपको बार बार लाइव मार्केट आस में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे के सारे वहां पे सेव हो जाएंगे। साथ में गए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रख लीजिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बनी रहे, और अगर इसका ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं हुआ, रिवर्सल भी हो गया, तो भी आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलके आप लोग उसमें से एग्जिट कर लो। सेकेंड कॉल रहेगा पीवीआर का, 1449 के ऊपर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, 1436 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1456, 1462, 1470 अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे। इन केस अगर इसमें अपसाइड में कोई एंट्री नहीं आती तो सेल साइड के लिए हम लोग 1436 के नीचे पीवीआर को शॉर्ट कर सकते हैं, 1449 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1431, 1427, 1422 इसके डाउन साइड में कल के दिन के लिए लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में गाइज जो थर्ड कॉल रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील का। टाटा स्टील गाइज 1119 के ऊपर आप लोग बाई कर सकते हो 1108 के स्टॉप लॉस के साथ में, 1123, 1128, 1133 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आते तो आप लोग इसे 1108 के नीचे सेल कर सकते हो, 1118 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1104, 1100, 1096 आपके डाउन साइड में इसके लिए कल के दिन के लिए टारगेट्स रहेंगे। अभी हम लोग गाइस देखेंगे निफ्टी के जो कल के दिन के लिए लेवल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो गाइस निफ्टी 15,770 के ऊपर कल के दिन में बुलिश रहेगी, 15,939, 15,770 के ऊपर वो बुलिश रहेगी, 15,807, 15,844, 15,882, 15,939 ये इसके अपसाइड में कल के दिन के लिए लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर इसमें बाई साइड में एंट्री नहीं आती है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 15,770 से लेके 15,700 ये जो फ्रेश ट्रेडर्स है जिन्हें ज़्यादा ऑप्शन चेन के बारे में नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये नो ट्रेड जोन रहेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो अच्छा खासा टाइम हो गया उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो इन्हीं लाइन्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इन केस गाइस इसमें बाइंग नहीं आती तो 15,700 के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पी बाय कर सकते हैं, 15,671, 15,643, 15,617 और 15,579 आपके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैं फ्यूचर के चार्ट्स यूज कर रहा हूँ, ये फ्यूचर चार्ट्स के लेवल्स हैं, आपको भी सेम लेवल्स यूज करने हैं, स्पॉट पे ये सारी चीज़ें मैच नहीं होंगी। तो गाइज बैंक निफ्टी अगर 35,320 के ऊपर सस्टेन करती है तो 35,428 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बाइंग साइड में, यानी कि सी बाइंग या फिर फ्यूचर को बाय कर सकते हैं हम लोग, 35,542, 35,653, 35,815 हमारे अपसाइड में कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे लेवल्स रहेंगे।
इन केसेस में बाइंग नहीं आती तो 35,100 के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पीई बाई कर सकते हैं। 35,000, 34,897, 34,801 और 34,648 हमारे डाउन साइड के लिए, इसके लिए कल के दिन के लिए लेवल्स रहेंगे। गाइस कल फ्राइडे है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो फ्राइडे और मंडे के दिन मैक्सिमम प्रीमियम मेल्टिंग करता है, तो मैं आपसे कहूँगा सुबह का जो भी ट्रेड है आपका वो 10 या फिर 10:30 से पहले निपटा लीजिए, और उसके बाद में जो भी ब्रेकआउट का ट्रेड आएगा 12:30-1 बजे के बाद में, उसको अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन वॉल्यूम और ऑप्शन चेन एनालिसिस देख करके इन लेवल्स के साथ में ट्रेड कीजिए, आपको डेफिनेटली इसके बारे में लॉस नहीं होगा। वैसे भी मैं कॉल्स तो वहाँ पर आपको पोस्ट करते ही रहता हूँ, लेकिन आप खुद से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। तो गाइज ये थे मेरे बेहतरीन 3 कॉल, साथ में मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी दिए हैं, इनके साथ में कल सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।